गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और मैं और प्रैक्टिकल क्लास बनाऊँ, और साथ में मैं ट्वेल्थ का भी ऑर्गेनिक क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम आप लोग के लिए बहुत ही नजदीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और हाइड्रोजन गैस बनाने से पहले मैं दिखाऊंगा थिसल फनल, इसकी जरूरत पड़ेगी। ग्लास ट्यूब चाहिए मुझे, राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, जिंक ग्रैनुअल चाहिए, स्टैंड सेल्फ चाहिए, गैस जार चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलरेडी मैंने इसको डाइल्यूट कर चुका है, इट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कैसे करेंगे, पहले ये है कॉर्क होलर, इसे करते हैं कॉर्क होलर। कॉर्क को क्या करेंगे, इससे हम लोग होल करेंगे। होल करने के बाद ये दो पतले पतले होल्स बन जाएंगे, और इस होल्स के थ्रू हम लोग क्या फिट करेंगे, फनल, थिसल फनल को क्या करेंगे, होल से फिट करेंगे। ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिट करेंगे। ऐसे फिट करेंगे, तो मैंने फिट करने के बाद एक ऑलरेडी मैंने एक सिंबल तैयार कर लिया है, आप देख लीजिए। ये मैंने बेंड किया है हीट करके, और मैंने एक थिसल फनल को लगाया है एक कॉर्क के थ्रू। ये आप देख सकते हैं कैसे ये फिक्स है। नाउ अब मैं प्रैक्टिकल कंडक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लूंगा राउंड बॉटम फ्लास्क। अब कहाँ रखूंगा मैं इसको, स्टैंड पे इस तरह मैं रख दूंगा, आप देखिए। और ये है पॉट जिसमें मैंने वाटर लिया है, क्योंकि इसी में मुझे दिखाना है हाइड्रोजन गैस, तो वहां मैंने ऐसे रखा। और इसमें मैं लूंगा थोड़ा सा जिंक ग्रैनुल्स, ये है जिंक ग्रैनुल्स, आप देख सकते हैं जिंक ग्रैनुल्स, जिंक मेटल है। मैं दो तीन ग्रैनुल्स इसमें लूंगा, 1, 2, 3 मैंने जिंक ग्रैनुल्स ले लिया, मैं थोड़ा जिंक ग्रैनुल्स ले लिया इसमें। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस ट्यूब को इसमें फिक्स कर दूंगा, इस कॉर्क को मैंने फिक्स कर दिया ऐसे, आप देखिए। ऐसे फिट करना है कि बिल्कुल एयर ना निकले बाहर, एयर टाइट करना होगा। और यहाँ देखिए ट्यूब, एक ट्यूब एक इंड कहाँ चला गया, ये वाटर में, और वाटर के पास मैं ये स्टैंड सेल्फ को ऐसे रख दूंगा। वो क्या करेगा, उसको पैक करेगा, इसे मैंने पैक कर दिया, क्योंकि इस पे मुझे क्या रखना है, गैस जार। ऐसे गैस जार रखने से क्या होगा, इसमें गैस क्या होगा, अकुमुलेट होगा, मुझे हाइड्रोजन गैस इसमें कलेक्ट करना है ना। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं इसमें इस होल को मैं पैक किया हूँ क्ले से, आपके पास क्ले होगा, ये देखिए क्ले से मैंने फिक्स किया है, जिससे वो एयर बाहर ना निकले, बिल्कुल वो पैक हो जाए ना। अब मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी मैंने इस फ्लास्क में क्या ले लिया है, जिंक ग्रैनुल्स, और मैं डालूंगा इसमें क्या, एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहा हूं। देखिए यहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन तैयार हो गया। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो वाटर पहले था ट्रांसपेरेंट, ये हल्का मिल्की कलर हो गया। क्यों हो गया मिल्की कलर, क्योंकि जिंक, आप देख सकते हो रिएक्शन में जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज फॉर्म, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहां देखिए बबल चल रहा है ऊपर, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, गैस का प्रेशर अधिक हो रहा है, ये लिक्विड ऊपर नीचे कर रहा है, जिससे प्रेशर मेंटेन हो और फ्लास्क फटे नहीं। और यहां पे देखिए इस इंट पे गैस धीरे धीरे निकल रहा है, ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसको दिखाऊंगा जलते हुए हाइड्रोजन गैस को, इट स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉपिंग साउंड। यू कैन सी दैट
When I bring the burning candle near the bubble, you can see that. आप देख सकते हैं. It burn with the popping sound. Wait. आप देख सकते हैं ये बबल है जो पॉपिंग साउंड साथ चल रहा है. तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और ये रहा सेटअप. आप देख सकते हैं राउंड बटल फ्लास्क, थिसल फनल, ट्यूब, बेंड ट्यूब और यहाँ पे सेल्फ फ्लास्क पे जहां पे गैस आ रहा है. मैं इस गैस को क्या करूंगा, गैस जार में थोड़ा वाटर भर के मैं इसमें क्या करूंगा, कलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे. तो इसमें कौन सा गैस कलेक्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन इज गोइंग ऑन. आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. और उसमें से क्या निकल रहा है, गैस बबल. और ये गैस बबल किसमें कलेक्ट हो गया है, गैस जार में. मैं दिखा रहा हूं गैस जार का, ये देखिए गैस जार. गैस जार में कौन सा गैस भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस. मैं इसको जलाऊंगा जलेगा, लेकिन आप यहां देख सकते हैं बबल्स आर कमिंग आउट. ये बबल्स पॉपिंग साउंड के साथ जल रहा था और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस. तो आप लोग देख चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगले क्लास में मैं कुछ और अच्छा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और मेरा जल्द ही प्लस टू के लिए 12th का बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में है, मार्च में है, उसके लिए मैं आफ्टर छठ, हम लोग का जो बिहार का छठ होता है उसके बाद मैं चालू करूंगा ऑर्गेनिक क्लासेस. सो मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं आपको नॉलेज दे पाऊं. धन्यवाद. थैंक यू.